सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाए ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल्स आप मिस ना कर सके। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं एरिक स्टीवन के बारे में, जिसे हम किल मॉन्गर के नाम से जानते हैं। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले MCU ने सभी कैरेक्टर्स की एक डिटेल रिलीज की थी, जिनमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग डिटेल थी हमारे एरिक किलमोंगर की, क्योंकि इस फिल्म में एरिक किलमोंगर की ओरिजिन कॉमिक बुक के ओरिजिन जैसी बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो क्या है वो, उस पर एक नजर डाल लेते हैं, जिससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि कॉमिक बुक के एरिक किलमोंगर की स्टोरी क्या है और इस फिल्म के किलमोंगर की स्टोरी क्या है। वेल, तो कॉमिक बुक के किलमोंगर की ओरिजिन के बारे में सभी कॉमिक फैंस को तो पता होगा कि उसकी स्टोरी कैसी थी। तो जिन्हें नहीं पता, मैं उन्हें बता दूं कि उसकी स्टोरी कुछ इस तरीके की थी कि किलमोंगर के फादर ने क्लॉ का साथ दिया था तचाला के फादर को मारने में, जिसके चलते तचाला के अंकल ने किलमोंगर के फादर और उसकी पूरी फैमिली को वकांडा से निकाल दिया था, जिसका बदला लेने किलमोंगर फिर से आता है। इसी बात का गुस्सा उसे होता है, लेकिन कॉमिक बुक के किलमोंगर ने वकांडा सिटी को देखा था। और वही बात करें फिल्म के किलमोंगर की, तो फिल्म के किलमोंगर ने बचपन से लेके अपनी जवानी तक वकांडा सिटी को नहीं देखा है। जी हाँ, इस मूवी में वो अमेरिकन ब्लैक कॉप सोल्जर है, जिससे ये साफ होता है कि वो काफी हाई ट्रेंडेड है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि उसने इस बीच शील्ड के लिए भी काम किया होगा और उसने हमारे स्टीव रॉजर के बारे में भी सुना होगा, और अब वो ब्लैक पैंथर के पीछे पड़ा है, जिससे कि वो वकांडा सिटी को अपने ताकत और अकल दिखाएगा कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। और इसके ट्रेलर को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि शायद एरिक किलमोंगर हमारे तचाला का भाई होगा, या फिर वो उसका कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, और इन सब में उसका साथ देने वाले है एम्बाकू और क्लॉ। शायद और भी विलन हो सके हैं, लेकिन अभी तक वो कंफर्म नहीं हुआ है कि इस फिल्म में विलन और कौन कौन हो सकते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि हमारे एरिक किलमोंगर की ओरिजिन कैसी है इस मूवी में। उसे बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा हमारे सामने इस मूवी में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि MCU कभी भी कॉमिक बुक को एज अ रेफरेंस लेता है, वो उसी चीज को सेम हमें नहीं बताने वाला जैसा कॉमिक बुक में हमें लगता है। तो इस बार किलमोंगर के बारे में हमें काफी कुछ पता चल गया। और हमारे किलमोंगर को लेकर बात हो रही थी पॉलीड्रॉल के शो में, जहाँ पर जॉन स्मिथ ने ये बताया कि उन्होंने जब माइकल बी जॉर्डन को देखा किलमोंगर के रोल में, तो उन्होंने एक ही बात कही कि शायद लोग ये कहेंगे कि ये MCU का अब तक का सबसे बेस्ट विलन है। और उन्होंने कहा कि माइकल बी जॉर्डन ने इस कैरेक्टर में जान डाल दी है, जिससे कि आप इस फिल्म को बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा और ये MCU की अब तक की सबसे डिफरेंट मूवी है, ऐसा हमारे जॉन स्मिथ का मानना है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। Till then, bye.